अलवर जिला परिषद कार्यालय पर शनिवार को जिला ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के द्वारा एक दिवसीय ध्यानाकर्षण प्रदर्शन किया गया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पिछले कुछ दिनों में जिला ग्राम विकास अधिकारी संघ पिछले 3 वर्षों से 11 सूत्री मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है एवं वेतन विसंगति को लेकर आंदोलन चलता आ रहा है। इस मौके पर राजस्थान कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मूलचंद गुर्जर, जितेंद्र हिंदुस्तानी, विजेंद्र सिंह बबोली सहित काफी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। राजस्थान कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मूलचंद गुर्जर ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी संघ ने 11 सूत्रीय मांग एवं छठे वेतन की विसंगति को दूर करने के लिए 3600 पे ग्रेड करने की बढ़ाने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि अगर राज्य सरकार ने विकास अधिकारी संघ की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया तो विकास अधिकारी प्रशासन गाँवों के संघ अभियान से संबंधित किसी भी कार्य में भाग नहीं लेगा। ग्राम विकास अधिकारी संघ ने बहुत पहले से राज्य सरकार को ज्ञापन देकर ये निवेदन किया था कि इनकी जो ज्वलंत समस्याएं हैं, इनका सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो 3600 की ग्रेड पे है वो इन्हें मिलनी चाहिए। इनके जॉब वर्क के हिसाब से भी, इनके समकक्ष लोगों के हिसाब से भी, तो इनकी मुख्य मांग तो यह है ग्रेड पे इनकी 3600 किया जाए। साथ ही दूसरी बात यह थी कि इन पर इतना अधिक कार्य भार था कि तीन तीन चार चार ग्राम पंचायतें एक विकास अधिकारी के पास, ग्राम विकास अधिकारी के पास थी, तो राज्य सरकार से इनकी ये मांग थी तत्काल उस पर किया जाए। उसमें मुख्यमंत्री जी ने पहल करते हुए रिक्त पदों की जो रिक्तियां हैं वो निकालने का इनको आश्वासन दिया है। तो मेरा ये मानना है कि वो आश्वासन ना होकर उसका नोटिफिकेशन जल्दी किया जाए जिससे इन पर जो कार्यभार पड़ रहा है वो कम हो और जो इनके मानदेय वगैरह हैं उन भत्तों में पिछले दिनों कुछ वृद्धि की गई है लेकिन उनमें कोई विसंगति है तो उसे तत्काल दूर किया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से 3 वर्ष तक राज्य सरकार को ज्ञापन और अपना प्रेजेंटेशन दिया है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राज्य सरकार ने आज तक द्विपक्षीय वार्ता रखकर टेबल पर इनको बुलाकर इनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया है। तो मैं ये मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इनकी वाजिब मांगों को अति शीघ्र टेबल पर बुलाकर इनसे बात करें और उनकी एग्जामिन करवा के उनको जस्टिफाई जो डिमांड्स है इनकी उनको पूरा करने का प्रयास करें जिससे राज्य सरकार को और आमजन को भी उससे लाभ मिलेगा। अभी जो प्रशासन गांवों के संग और शहर के संग जा रहे हैं वो इन लोगों के बिना पूरा नहीं हो पाएगा और उन्होंने पूर्व में ही उसके बहिष्कार की सरपंच संघ ने और ग्राम विकास अधिकारी संघ ने उसकी चेतावनी दे रखी है। तो इनकी चेतावनी को मद्देनजर रखते हुए और तत्काल इनकी समस्याओं को निराकरण किया जाना चाहिए।